ओके नाउ कम टू द टॉपिक सम कॉमन सॉल्ट केमिकल यू हैव टू स्टडी इन योर क्लास 10 दैट इज फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक सोडा वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी हाइड्रेट सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH दिस इज अ कॉमन सॉल्ट यू हैव टू स्टडी द फाइव कॉमन सॉल्ट केमिकल इन योर क्लास 10 फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज प्रोड्यूस्ड बाई द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज इफ वी इलेक्ट्रोलाइज द NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इफ वी इलेक्ट्रोलाइज द सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वी गेट NaOH प्लस HCl दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH विच इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा एंड इन दिस हियर विल बी क्लोराइड गैस HCl एंड आफ्टर हीटिंग HCl इट गिव्स अस H2 प्लस Cl2 That is, electrolysis of sodium chloride gives us sodium hydroxide, which is also known as caustic soda, and it gives us hydrogen and chloride also. And this process is known as the core alkali process. Core alkali process. This process is known as the core alkali process. Now, what are the importance of sodium hydroxide? In making soaps and detergent, sodium hydroxide is used in making soaps and detergent. In making artificial textile fiber के form में use किया जाता है. In making dyes and bleaches, dye और bleach के formation में भी sodium hydroxide का use करते हैं. Used in degreasing metal को degrease करने के लिए. एंड इट इज यूज इन ऑल्सो मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर के मैन्युफैक्चर में भी हम क्या करते हैं NaOH का कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं प्यूरिफाइंग बॉक्साइड ओर को प्यूरिफाइंग के लिए यूज करते हैं नाउ व्हाट इज द यूजेज ऑफ क्लोरीन टू स्टेरलाइज ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं व्हाट इज द यूजेज ऑफ क्लोरीन स्टेरलाइज द ड्रिंकिंग वाटर इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में हम क्लोरीन का यूज करते हैं वी यूज द क्लोरीन इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2 इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मेक प्लास्टिक सच एज पीवीसी बनाने के फॉर्म पीवीसी जो पाइप होते हैं घर में उनको बनाने में हम यूज करते हैं ठीक नाउ कम टू द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स के हाइड्रोजिनेशन में यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं यूज टू मेक मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें बनाना है तो वी यूज द जैसे एग्जाम्पल है मेथेन तो मेथेन में भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे तो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी हम क्या करते हैं हाइड्रोजन का यूज करते हैं नाउ व्हाट इज द यूजेज ऑफ HCl यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट को क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl का यूज करते हैं ठीक नाउ कम टू द सेकंड वन इज वॉशिंग सोडा नाउ सेकंड वन इज वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा इट इज अ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दैट इज सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर दैट इज डेकाहाइड्रेट दिस इज कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेका
हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। अगर हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट में से इफ वी रिमूव द 10H2O फ्रॉम द वॉशिंग सोडा देन इट विल बिकम सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, दिस इज नोन एज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। दैट इज दिस इज नोन एज द सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड इफ वी रिमूव द वाटर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट देन इट विल बिकम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। This is known as the anhydrous sodium carbonate. This is known as the sodium carbonate decahydrate. Now, production of washing soda. Washing soda को कैसे prepare करते हैं? ठीक? तो sodium chloride में अगर हम ammonia से reaction कराते हैं, if we react sodium chloride with ammonia, water and carbon dioxide, then we form the सोडियम बाइकार्बोनेट। इफ वी रिएक्ट सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया विद वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड वी गेट द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड आफ्टर हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट आफ्टर हीटिंग वी गेट एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट आफ्टर हीटिंग। If we react sodium chloride with ammonia with water with carbon dioxide, we get sodium bicarbonate. And if we heat sodium bicarbonate, we get sodium carbonate and hydrosodium carbonate. And after joining sodium carbonate with 10 water, it will become sodium carbonate decahydrate. That is reaction of sodium chloride with ammonia, water and carbon dioxide gives us sodium bicarbonate and after heating sodium bicarbonate we get sodium anhydrous sodium carbonate and sodium carbon anhydrous sodium carbonate after combining with 10H2O it gives us sodium carbonate decahydrate. This is the washing soda. Now what is the properties of washing soda? What are the properties of washing soda? It is a transparent crystalline solid. It is one of the few metal carbonate which are soluble in water. And solution of washing soda is alkaline. So these are the properties of washing soda. Now come to the uses of washing soda. Used as cleansing agent. किसी भी सतह को surface को साफ करने के लिए हम washing soda का use करते हैं. ठीक है? टेबल को या फैन को साफ करने के लिए वी यूज द वॉशिंग सोडा। इट इज अ क्लीनसिंग एजेंट, सफाई करने वाला एजेंट। यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर होते हैं उनको हम सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है? यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर। इट इज ऑल्सो यूज इन ग्लास सोप पेपर मैन्युफैक्चरिंग। Now used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Borax, sodium compound, borax क्या? Borax is a sodium compound. तो borax के manufacture में हम किसका use करते हैं? Washing soda का. Now come to the third topic, baking soda. Third one is baking soda. Baking soda, that is sodium बाइकार्बोनेट। अगर NaCl को हम अमोनिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज नोन एज द बेकिंग सोडा। इफ वी रिएक्ट सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर we get sodium bicarbonate which is also commonly known as baking soda. Now what are the uses of baking soda?
यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। अगर किसी के स्टमक में क्या हो, एसिडिटी हो, तो हम बेकिंग सोडा क्या करते हैं, फीड करते हैं, खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या करता है, हमारे स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन केक ब्रेड। केक और ब्रेड में जो बेकिंग पाउडर का यूज होता है वो किससे बनता है, बेकिंग सोडा से ही बनता है। नाउ नेक्स्ट वन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर फोर्थ वन CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द ब्लीचिंग एजेंट, ए सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जो कलर सब्सटेंस में से कलर को क्या करे, रिमूव कर दे। जैसे हम ग्रीन कलर का कपड़ा ले लें और हम उसे ब्लीचिंग एजेंट पे डाल दें तो ग्रीन कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए, कलरलेस हो जाए। तो ब्लीचिंग एजेंट किसे बोलते हैं, व्हाट इज द ब्लीचिंग एजेंट, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स द कलर फ्रॉम कलर सब्सटेंसेस। तो दिस इज अ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज्ड एज एन ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट बिकॉज इट रिमूव्स द कलर फ्रॉम कलर सब्सटेंसेस। तो दिस इज यूज एज द, एंड व्हाट इज द डिसइंफेक्टेंट, ए सब्सटेंस विच इज यूज टू किल जर्म्स इन और बैक्टीरिया। तो अगर कोई सब्सटेंस जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर रहा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट। दैट इज ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट बिकॉज इट रिमूव्स द कलर फ्रॉम कलर सब्सटेंसेज and it also kills the germs and bacteria, so it is also used as disinfectant. It is used as a bleaching agent and it is used as a disinfectant. Now preparation of bleaching powder, kaise prepare, how to prepare the bleaching powder. If we react calcium hydroxide with chlorine then we form the CaOCl2 CaOCl2 and water. If we react calcium hydroxide with chlorine, we get calcium oxygen chloride, which is also known as bleaching powder. Now, what are the uses of bleaching powder? It used in large scale as a bleaching agent. It used as a disinfectant. Used and an मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसका यूज हम क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में करते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, एनेस्थीसिया। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड है टू फॉर्म द क्लोरोफॉर्म। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज पीओपी। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैसे, इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाई हीटिंग जिप्सम विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस। तो जिप्सम से ये बनता है, ठीक है। तो जिप्सम मेनली कहाँ पाया जाता है, जिप्सम मेनली पाया जाता है पेरिस में, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया, दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ प्रिपरेशन, अगर हम जिप्सम को क्या करें, हीट करें, दिस इज द जिप्सम डॉट टू एच टू ओ, दिस इज द जिप्सम, अगर हम इसे हीट करते हैं एंड दिस जिप्सम इज मेनली फाउंड इन पेरिस, so this is known as the plaster of Paris. अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं, if we heat the gypsum, then we get CaSO4.5H2O plus 3/2H2O. If we heat gypsum
वी गेट द कैल्शियम सल्फेट हेमियाइडेट विच इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 3/2 H2O. सो दिस इज नोन एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ कम टू द यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. What are the uses of plaster of Paris? Used in hospital for setting fractured bones and making cast in dentistry. तो जो bones break कर जाती हैं या bones खिसक जाती हैं तो हम plaster of Paris का use करके उसे set करते हैं. ठीक है, तो actually होता क्या है, जब plaster of Paris में अगर वाटर मिल जाए, ठीक है, 3/2 H2O अगर मिल जाए तो क्या होता है, ये जिप्सम फॉर्म कर लेता है CaSO4.2H2O. ठीक है, ये क्या फॉर्म कर लेता है, जिप्सम. अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जैकेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में अगर वाटर मिला दिया जाए तो ये क्या करता है, ये जिप्सम फॉर्म कर लेता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द नेम ऑफ जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O. और जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर वाटर थोड़ा सा मिला दें इस रेशियो में तो वो जिप्सम फॉर्म कर लेता है. क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है. ठीक, तो देखा होगा हड्डी बोन वगैरह टूट जाती हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है, पानी मिला करके उसे सेट करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, तो वो जिप्सम हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, हॉस्पिटल में सेटिंग ऑफ बोन. ठीक, टॉयज वगैरह बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं. दीवार की जो छतों में प्लास्टर ऑफ पेरिस की डिजाइनिंग होती है, पानी में जाने पर ये जिप्सम फॉर्म कर लेता है. ठीक है, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टल. द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ एनी सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा CaSO4.5H2O. तो ये एक क्रिस्टल है, इसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में 5 वाटर मॉलिक्यूल का भी क्या है, रोल है. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल फॉर्मेशन में 5 वाटर मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होते हैं. सो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दैट इज इफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड also join with water, if water molecule form the structure of any crystal molecule, then it is known as the water of crystal. That is, if the water molecule which form the part of the crystal, किसी भी crystal structure में अगर water molecule भी क्या कर रहा है, part ले रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, water of crystallization. That is, in CaSO4.5H2O, इसके क्रिस्टल फॉर्मेशन में वाटर मॉलिक्यूल भी पार्ट ले रहा है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ठीक, तो इसमें क्या है, 10 वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है. नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, एक्शन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट. अगर हम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो, If we heat the crystal of any compound which have water of crystallization, then water molecule get become separate.
दैट इज इफ वी हीट सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O इफ वी हीट देन फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट सेपरेटेड दैट इज इट फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O मतलब कि अगर हम किसी भी वाटर और क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड या हाइड्रेटेड सॉल्ट कंपाउंड को क्या करते हैं हीट करते हैं तो उसमें का वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है अलग हो जाता है और ये बना लेगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड दिस इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल बिकम सेपरेटेड और क्या होता है दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हमने हीट दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ सेपरेट हो गया और अगर हीट हम उसे कूल डाउन कर दें तो ये दोनों फिर से ज्वाइन करके क्या बना लेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट दैट इज दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस इफ वी सप्लाई द हीट टू एनी हाइड्रेटेड सॉल्ट कंपाउंड देन द वाटर मॉलिक्यूल गेट सेपरेटेड एंड इफ वी कूल डाउन द दिस कंपाउंड देन इट ज्वाइन द वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो फॉर्म द हाइड्रेटेड सॉल्ट कंपाउंड सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर सेकेंड ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10 विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट थैंक यू